तो हम लोग जो है अभी पोखरा के जो है मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी रात के समय में। क्या क्या यहाँ रात को होता है, बहुत सारी अफवाहें वगैरह फैलती रहती है पोखरा के बारे में, यहाँ नाइट लाइफ जो है बहुत ही गंदा है, बट मुझे तो ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है। बाकी आप बहुत ही खूबसूरत लाइफ देख सकते हैं, यहाँ के लोग जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ जो अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, बाहर जाना, वहाँ एंजॉय करना, बाइक राइड करना, रॉयल लाइफ जीते हैं ये लोग भाई। इसको लोग निगेटिव लेव में जो है थंबनेल डाल के जो है वीडियोस पे व्यूज लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ की गर्ल्स भी जो है ओपन माइंडेड हैं, एकदम क्लियर, नाइट को और जा सकती हैं बाहर अपने फैमिली वगैरह से परमिशन लेके या ना लेके, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी देख सकते हैं, देख रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं पूरा जो है बाढ़ से भरा भरा है चारों तरफ। बाढ़ जाके आप इन्जॉय कर सकते हैं, बट यहाँ बाढ़ में जो है स्कैम्स बहुत होते हैं, इस वजह से ना ही जाएं तो अच्छा है। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो जाइए उड़ाइए। आगे तक रात के 11:40 एंड वी आर ऑन पोखरा मार्केट। बाकी गाइस ये देखिए, ये कौन सा जगह है पता नहीं, बाकी खूबसूरती के साथ जो है पेड़ पौधों को भी डेकोरेट किया जाता है। तो देखिए गाइस, हम लोग चलते चलते जो है 9 किलोमीटर जो है अपने होटल से दूर चले गए और वो फेवा लेक से। In 150 meters, turn left toward Lakeside Road. तो देखिए गाइस, बाकी बार्स वगैरह यहाँ, लेकिन जो है 12-1-2 बजे हर पूरी रात जो है इंसान लोग चलते ही रहते हैं। यहाँ जो है रात को भी यहाँ घूमती रहती है विदाउट एनी फियर। अभी से आप अच्छा माने या फिर बुरा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। नहीं यो, फैब बेली इंडिया इंडिया टोयोटा फॉर्चूनर। बाकी ये एक राइस गार्डन रेस्टोरेंट एंड बार, यहाँ देखिए ज़्यादातर जो यहाँ आपको स्टैचू वगैरह मिलेंगे कुछ इसी डिज़ाइन का मिलेगा, बाकी इस डिज़ाइन का मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या होता है। सेमा सेमा